चलिए, आज के बायो क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग अब एक्टिव हो चुके हैं। अब आज से क्लासेस हम लोग शुरू करते हैं 12th बायो का। आज हम लोग शुरू करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका है वह है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स का क्वेश्चंस वगैरह आते हैं और विद्यार्थियों को काफ़ी परेशान करते हैं, तो 12th जेनेटिक्स में हम लोग कुछ पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, आज समझने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपको भी अब ध्यान देते हैं इसमें। जेनेटिक्स, अब जेनेटिक्स अर्थात अनुवांशिकी। अब अनुवांशिकी हम लोग देखते हैं, ये अनुवांशिकी जो 12th बायो का काफी इम्पोर्टेंट यह आपका चैप्टर है। जेनेटिक्स में हम लोग सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है क्या, जिसको हिंदी में अनुवांशिकी कहते हैं, अनुवांशिकी। अब ध्यान देते हैं, इसे हम लोग अनुवांशिकी कहते हैं, अनुवांशिकी। अब ये दिमाग में रखना है, अनुवांशिकी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं पहले ये समझ लेते हैं इसमें। तो ध्यान देते हैं, इसमें दो चीज का अध्ययन करते हैं हम लोग अनुवांशिकी में। पहले इसमें हेरिडिटी का अध्ययन करते हैं, हेरिडिटी, हेरिडिटी का अध्ययन करते हैं, और दूसरा इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं वेरिएशन का, वेरिएशन, दो का अध्ययन हम लोग करते हैं जेनेटिक्स में। हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता हो गया, अब समझेंगे इसका हिंदी क्या है, अनुवांशिकता हो गया, अनुवांशिकता। और वेरिएशन है, इसका मतलब होता है भिन्नता, भिन्नता। अब लोग हम ये देखते हैं कि जेनेटिक्स में हम लोग दो का अध्ययन करते हैं, पहला हो गया हेरिडिटी, दूसरा हो गया वेरिएशन। ठीक है, एक तो समझ में आ रहा होगा सभी विद्यार्थियों को इसमें। तो हेरिडिटी में हम लोग किसका अध्ययन, हेरिडिटी में किसका अध्ययन करते हैं और वेरिएशन में किसका अध्ययन करते हैं, ये भी समझना हम लोग के लिए काफी जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये अनुवांशिकी, अनुवांशिकी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, अनुवांशिकी किसे कहते हैं, तो आप सीधा एक जवाब देंगे इसमें क्या, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ये सिंपल सा है, ठीक है ना, दिमाग में ये रखना है आप लोग को कि क्या करना है, व्हाट इज जेनेटिक्स, अगर कोई कहे तो इसका क्या जवाब होगा, काफी आसानी से। ठीक है, तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स, ये दिमाग में सबका आ गया होगा इसमें। चलिए, ये तो काफी हल्का है। अब हेरिडिटी का हिंदी होता है अनुवांशिकता, वेरिएशन का हिंदी होता है भिन्नता। अब ये दो चीज जो आया इसको हम लोग को समझना है, दो फैक्टर जो आया, तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं अनुवांशिकता। अब अनुवांशिकता का मतलब क्या हो गया, सिंपल वे में आप समझने का प्रयास करेंगे। अनु मतलब आने वाला, अनु का मतलब समझिएगा आने वाला, आने वाला। वांशिक मतलब वंश, समझेंगे, ये वांशिक से है, वांशिक हो गया, इस मैटर को समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो अनु मतलब आने वाला, वांशिक मतलब वंश। ठीक है, तो आने वाले वंश में जाने वाले गुण लक्षण के अध्ययन को हम लोग आनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा वे में आप लोग तो कहता है, अंग्रेजी में अगर कहेंगे तो कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, अनदर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कहते हैं। ठीक है ना, कैरेक्टर कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर वो ट्रांसमिट, कैरेक्टर गोज फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है ना, चलिए इसमें हम लोग समझते हैं हेरिडिटी में अनुवांशिकता, अनु मतलब आने वाला, वांशिक मतलब वंश। ठीक है, आने वाला वंश में जाने वाला गुण लक्षण के अध्ययन को आनुवांशिकता कहते हैं, सीधा सा बात हो गया।
इसके बाद आता है भिन्नता। भिन्नता का मतलब क्या है? आने वाली पीढ़ी में जो अंतर देखा जाता है, आने वाली पीढ़ी में जो अंतर देखा जाता है उसे हम लोग भिन्नता कहते हैं। आप लोग ये जानते होंगे, जैसे माता पिता का 5-5 उंगली है, कई संतान का 6 उंगली भी हो जाता है, आप लोग देखे होंगे, तो इसको क्या कहते हैं? भिन्नता हो गया, आने वाली पीढ़ी में अंतर हो गया। तो ये दिमाग में आपको रखना है। चलिए, तो एक आप दो चीज जेनेटिक्स के बारे में इतनी जानकारी आपको हो गई होगी, इसमें आप लोग समझ गए होंगे। एक बार पुनः हम लोग रिपीट कर देते हैं, व्हाट इज जेनेटिक्स, जो आपका 12th बायो का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे इंटर के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब जेनेटिक्स, व्हाट इज जेनेटिक्स, तो सीधा कहेंगे सर, हेरिडिटी एवं वेरिएशन के अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। हेरिडिटी को हिंदी में आनुवंशिकता, वेरिएशन को हिंदी में भिन्नता। ये हेरिडिटी क्या है? इसको आनुवंशिकता, अवानुवंशिकता, अनु मतलब आने वाला, वांशिक मतलब वंश, आने वाले वंश में जाने वाले गुण लक्षण के अध्ययन को आनुवंशिकता कहते हैं। अनु मतलब आने वाला, वांशिक मतलब वंश, तो आने वाले वंश में जाने वाले गुण लक्षण के अध्ययन को आनुवंशिकता कहते हैं। और भिन्नता मतलब आने वाली पीढ़ी में जो अंतर देखा जाता है उसी अंतर को हम लोग भिन्नता कहते हैं। जैसे माता पिता का 5-5 उंगली है, संतान का 6 उंगली हो जाता है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे भिन्नता कहेंगे। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देते हैं, यह जो है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स की शुरुआत कैसे हुई और जेनेटिक्स के बारे में किसने विशेष रूप से प्रयोग किया जिससे कि यह आनुवंशिकता फिर पुनः आगे की ओर बढ़ा, तो कहां से आता है कि एक सबसे पहले यह 1822 ईस्वी में ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ था। अब ध्यान देंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल, जी जे मेंडल, अब ध्यान देंगे जी जे मेंडल मतलब है ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ? 1822 ईस्वी में हुआ था। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। अब कहा जाता है कि 1822 ईस्वी जन्म हुआ था और यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया, अब ऑस्ट्रिया में ये जो है किसी चर्च का वो फादर के रूप में काम किया करते थे। अब इनके दिमाग में आया कुछ प्रयोग करने का, मेंडल के दिमाग में आया कुछ प्रयोग करने का। अब प्रयोग बागवानी करना शुरू कर दिया, क्या है? गार्डन पी का, जिसको हम लोग पाइसम सटाइवम कहते हैं, जिसको मटर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये 1822, अब देखते हैं इनका प्रयोग जो हुआ 1856 से 1863 तक इन्होंने प्रयोग किया। अब प्रयोग किस पर किया था? एक प्रयोग इन्होंने किया था पाइसम सटाइवम पर, जिसको हम लोग मटर कहते हैं, ये मटर कहते हैं, गार्डन पी पर इन्होंने प्रयोग किया था, जिसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम आप लोग भी जानते होंगे, पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम होता है, अब ध्यान देते हैं, पाइसम सटाइवम मटर, अर्थात ये जो है गार्डन पी पर इन्होंने प्रयोग किया था, इसको कहते हैं हम लोग गार्डन पी पाइसम सटाइवम पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो इतना दिमाग में हम लोग को रखना है ये सभी बातें, ठीक है, रखना है। क्या क्या अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, ए अनुवांशिकी क्या है? तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, अनुवांशिकता और भिन्नता के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अनुवांशिकता का मतलब है आने वाले वंश में जाने वाले गुण लक्षण के अध्ययन को अनुवांशिकता कहते हैं, ये भी समझ में आ गया है। भिन्नता मतलब आने वाली पीढ़ी में जो अंतर देखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भिन्नता कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ध्यान देते हैं, थोड़ा सा इसके ऐतिहासिक घटना पर वर्णन करते हैं।
अब देखते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल 1856 से 1863 तक इन्होंने प्रयोग किया, किस पर प्रयोग किया भाई, मटर पर प्रयोग किया, मटर अर्थात गार्डन पी पर प्रयोग किया। इसका इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है भाई, साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सटाइबम, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में हुआ, ठीक है। अब इन्होंने ध्यान देते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग में किसका प्रयोग में किसको रखा भाई, तो मटर का वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइबम, ठीक है। अब ध्यान देते हैं तो मटर के कितने विभिन्न लक्षणों पर इन्होंने प्रयोग किया था, तो मटर के इन्होंने 7 विभिन्न लक्षणों पर प्रयोग किया था। थोड़ा सा ध्यान देते हैं, मटर के 7 विभिन्न लक्षणों पर इन्होंने प्रयोग किया था, जैसे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, तो मेंडल का वंशागति का नियम कहते हैं, ठीक है ना, वंशागति का नियम कहते हैं। अब देखिए इसमें इन्होंने जैसे इसमें जो भी विभिन्न लक्षण लाया, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, फॉर्म है, सीड है। अब सीड है, फ्लावर है, पोड है, स्टेम है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, सीड मतलब बीज, आप समझते हैं। सीड का मतलब क्या होता है, ये बीज, तो आप समझते हैं, ठीक है ना, किसका बीज, तो मटर का, पाइसम सटाइबम का बीज, ये तो आप समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। आपका आंसर भी सही आ रहा है, पाइसम सटाइबम भी लिख रहे हैं, 7, बहुत अच्छी बात। चलिए, ये फ्लावर का मतलब क्या हो गया, ये पुष्प हो गया, ये भी आप समझ रहे होंगे, ये पुष्प हो गया, ठीक है ना। पोड का मतलब फली होता है, या फली जो कली इसमें होता है, फली बना हुआ होता है, फल होता है, फली कहते हैं। स्टेम मतलब ये हो गया तना, तना मूल कहते हैं इसमें, ठीक है ना। तो इतना दिमाग में हम लोग को आना है इस यहाँ पर, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अब बीज, बीज का फॉर्म, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो बीज होता है डाइकोटिलेडन होता है, द्विबीजपत्री होता है। मटर का जो बीज होता है वह द्विबीजपत्री होता है, ठीक है। अब इतना दिमाग में आपको आना है वो फल कैसा, अब फल लिया यहाँ पर एलो, अब देखिए एलो, अब सबका ट्रेट अलग है, कितना विभिन्न लक्षण पर, तो देखिए ग्रे राउंड व्हाइट रिंकल, एलो ग्रीन। अब पुष्प लिया कैसा भाई, व्हाइट पुष्प लिया यहाँ पर, ग्रे एंड राउंड, ठीक है ना, ग्रे राउंड लिया यहाँ पर, ग्रे राउंड और व्हाइट रिंकल, ठीक है। तो ये व्हाइट रिंकल हो गया, मतलब एक फॉर्म सीड का हो गया, सीड का एक हो गया। दूसरा आप देखते हैं बीज पत्री में एक ऐसा लिया भाई, तो येल्लो था, ये पीला और ये ग्रीन, तो पीला और ग्रीन लिया, तो पीला ग्रीन हो गया, तो एगो पीला और दूसरा ग्रीन, तो यह विपरीत लक्षण हो गया ना, यहाँ पर एक ग्रे व्हाइट राउंड रिंकल, तो ये विपरीत लक्षण हो गया इनके बीच में। अब देखिए दूसरा हो गया आपका कॉटिलेडन, मतलब बीज पत्री होता है, तो आप देखिएगा मटर को फूल आप फूलने दीजिए, उसके बाद हटाइएगा तो दो भाग में बढ़ जाएगा, इसे हम लोग कहेंगे बीज पत्र, और ये दो है तो इसका मतलब है द्वि बीज पत्री हो गया, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब ध्यान देते हैं यहाँ पर इसके बाद, तो ये कॉटिलेडन जो हो गया येल्लो हो गया और ग्रीन हो गया, तो दूसरा हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं पुष्प ले लिया, तो पहला बीज का हो गया इसमें बीज का, दूसरा आप पुष्प हो गया, तो पुष्प में कैसा दिखाई पड़ा, तो पुष्प में एक सफेद और दूसरा वायलेट लिया यहाँ पर पुष्प, ठीक है, कनीलापन, तो यहाँ पर यह सफेद लिया और नीलापन लिया, तो ये जो है आपका एक पुष्प ऐसा लिया, ठीक है। इसके बाद में फली, अब फली में हम देखते हैं पहला तो फॉर्म कैस किस फॉर्म में, फुल फॉर्म में, और कॉन्स्टिक्टेड का मतलब हो गया पूरा जो है वहां पर कह सकते हैं दबा हुआ, अब पूरा जो है दबा हुआ ये सुखापन, सुखा हुआ ये कहते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्म हो गया, ये फूल मतलब बहुत अच्छी तरह से पका हुआ, और ये पका हुआ नहीं मतलब ये सूखा हुआ कह सकते हैं। एक कलर लिया, तो कलर में भी एक का येलो ले लिया, कलर पर येलो और ग्रीन हो गया। अब प्लेस कहां पर स्टेम में रखा हुआ है, तो एक एक्जिलरी, एक्जिलरी का मतलब हो गया वो ऊपर तरफ जो होगा, और ये जो है एक्जिलरी और दूसरा टर्मिनल, तो दैट इज कॉल्ड टर्मिनल। अब देखिए यहां पर जो है टर्मिनेट किया, यहां से ये टर्मिनेट किया, यहां से टर्मिनेट किया,
और जो है यहाँ पर एक टर्मिनेट, एक टर्मिनेट किया, यहाँ से टर्मिनेट किया, टर्मिनेट किया, ये जो है आपका ये जो तना प्लेस लिया यहाँ पर एक्जिलरी मतलब फ्लावर एलोंग फ्लावर ऊपर तरफ लिया, ऊपर का लिया, यहाँ पर टर्मिनेट कर लिया। साइज हम लोग देखते हैं तो साइज भी हम लोग देखते हैं तो साइज में एक लंबा लिया, दूसरा नाटा लिया। लंबा नाटा का तो आप कहानी जानते हैं अच्छी तरह से, इसमें तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है। चलिए तो सात तो क्वेश्चन पूछता है कि मेंडल ने मटर के कितने विभिन्न लक्षणों पर फाइनली प्रयोग किया था। तो आपका आंसर आना चाहिए, आप आंसर दे भी सकते हैं। आप जो है एक क्वेश्चन अगर पूछता भी है आप इंटर के एग्जाम में पूछता भी है कि मेंडल ने मटर के कितने विभिन्न लक्षणों पर प्रयोग किया था, तो आपका जवाब कितना आना चाहिए आप सेंड कर सकते हैं आंसर। क्वेश्चन आपका है कि मेंडल ने मटर के कितने विभिन्न लक्षणों पर प्रयोग किया था, इसमें तो कितने विभिन्न लक्षणों पर प्रयोग किया था, तो आपका आंसर होना चाहिए कितना, सात आना चाहिए, सात विभिन्न लक्षणों पर प्रयोग किया था। चलिए तो ये आपका हो गया, फॉर्म में भी आपका हो गया ग्रे राउंड व्हाइट रिंकल येलो है तो दूसरा ग्रीन है, व्हाइट है तो वायलेट है, बैगनी है, और जो है ये फूल है पका हुआ पूरी तरह है, ये जो है दबा हुआ है यहाँ पर एक कलर में येलो है, ग्रीन है, एक्जिलरी पोड है, पोड मतलब फली हो गया, और टर्मिनल मतलब टर्मिनेट करेगा जहां से कुछ और नहीं आएगा किनारे साइड में, इस साइड हो गया लंबा और नाटा का। चलिए आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा, सात विभिन्न लक्षणों पर प्रयोग किया। मेंडल का जन्म कब हुआ था, आप आंसर दे सकते हैं जन्म के बारे में, तो मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था, और उनका निधन कब हुआ था, निधन कब हुआ था 1884 ईस्वी में हुआ था। दो चीज आप दिमाग में रख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। चलिए आपका आंसर बिल्कुल सही है, इसमें इतना तो समझ में आप लोग को आ गया जो बताएं। तो यहाँ पर एक विपरीत लक्षण, एक दूसरा, एक तीसरा, एक चौथा, एक पांचवा, एक छठा, एक सातवा, तो आपसे क्वेश्चन डालेगा कि मेंडल ने मटर के कितने विभिन्न लक्षणों पर प्रयोग किया था, आपका आंसर होगा सात, ठीक है। मेंडल का जन्म कब हुआ था आप सेंड कर सकते हैं, 1822 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1822 में मेंडल का जन्म कब हुआ था, मेंडल का अगर जन्म की बात कहां से है तो 1822 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, आप जानते हैं। और इनका निधन कब हुआ था, इनका निधन कब हुआ था, निधन हुआ था 1884 ईस्वी में इनका निधन हुआ था, ये आप जानते भी हैं, ठीक है। तो यहां पर ये आपके दिमाग में होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में, निधन 1884 ईस्वी में हुआ था, 22 और 84 एक दो चीजें आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग चर्चा करते हैं वो किस पर दिमाग में रखते हैं। तो मेंडल ने जो प्रयोग किया, अब प्रयोग करने के बाद 1884 से निधन हो गया, अब कहां से आता है कि इसने अपने प्रयोग को भी रखा था, प्रयोग को भी रखा था इसमें, जब यहाँ पर 1882 इसने प्रयोग कब से कब तक किया था, तो आप ये जानते ही होंगे कि इनका जो प्रयोग था एक्सपेरिमेंट था, इनका प्रयोग जो था वो 1856 से 1863 तक इन्होंने ये प्रयोग किया था इस पर, ठीक है ना, 1856 से 1863 तक इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है ना। तो देखा इन्होंने क्या कहा, तो ऑस्ट्रिया में फादर के रूप में इन्होंने काम किया, और उसी क्रम में बागवानी का बहुत शौकीन थे, और इसके कारण इन्होंने ए पाइसम सटाइवम को ही सेलेक्ट किया, चलो भाई करते हैं इसमें, इन्होंने प्रयोग किया और अपने प्रयोग को सांख्यिकीय आधार पर समझेंगे 1856 से 63 तक इन्होंने प्रयोग किया, ठीक है, मटर पर, अब मटर के सात विभिन्न लक्षणों पर प्रयोग किया, जब समझिएगा बात को अच्छी तरह से तब आपको दिमाग में अच्छी तरह आ जाएगा जो हम बताना चाहते हैं आपको, ठीक है ना। 1856 से 1863 तक इन्होंने मटर के सात विभिन्न लक्षणों पर प्रयोग किया, ये तो समझ में आ गया बस सभी को, 1856 से 1863 तक मटर के सात विभिन्न लक्षणों पर इन्होंने प्रयोग किया, ठीक है। अब कहां से आता है इन्होंने प्रयोग किया और सात विभिन्न लक्षणों पर प्रयोग किया, इसको इसको अपने कॉपी में भी लिखा,
और कॉपी में सांख्यिकी आधार पर, सांख्यिकी आधार पर अपने कॉपी में लिखते चले गए। ठीक है, अब बात हुई कि 1865 में क्या हुआ, ब्रून में, लंदन का ब्रून में सम्मेलन हुआ। ठीक है ना, अब ब्रून में सम्मेलन हुआ तो वहां पर ए भी गए, ए भी गए मतलब ए मेंडल साहब भी गए ब्रून सम्मेलन में। तो ब्रून में ए हिस्टोर का जो ब्रून सम्मेलन हुआ, ए ब्रून सम्मेलन भी इन्होंने इन्होंने अपना अपना भागीदारी किया। तो ब्रून सम्मेलन में इन्होंने 1865 में ब्रून सम्मेलन में ए भाग लिए और इन्होंने इन्होंने अपने इन्होंने अपने प्रयोग को सामने रखा कि हाँ भाई मैंने प्रयोग किया है, मैंने ये प्रयोग किया है। अब ब्रून सम्मेलन में अपने प्रयोग को जब रखा, ठीक है ना, प्रयोग को रखा तो प्रयोग को सबको देखा भी तो प्रयोग था। अब प्रयोग को आप रखा कि मैंने प्रयोग किया है, एक आध साल अब जो है उनके प्रयोग को न्यूज़पेपर में मैगजीन में छपा, उसके बाद बंद हो गया। ऐसा क्यों हुआ था भाई? तो ऐसा इसलिए भी हुआ था कि उस समय क्या था, उस समय डार्विन के सिद्धांत की चर्चा चल रही थी। तो डार्विन के सिद्धांत की जो चर्चा काफी देर चल रही थी तो उसके कारण इसके प्रयोग को किसी ने ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। डार्विन का जो सिद्धांत की चर्चा चल रही थी जिसके कारण इनका प्रयोग जो है, प्रयोग पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं देने के कारण क्या हुआ, ठीक है ना, ध्यान नहीं देने के कारण क्या हुआ यहाँ पर? तो ध्यान नहीं देने के कारण ये भी बेचारे अपना गए, अपना आराम कर रहे थे कि चलो भाई यहाँ पर। तो आराम जब कर रहे थे तो अब करते करते अब क्या अपना कॉपी रखे, 1884 में इनका निधन हो गया। इनका जो है यहाँ पर कॉपी रखा हुआ रह गया, इसमें अब कॉपी रखा हुआ रह गया। अब होता यह है 1884 में इनका निधन हो गया, इन्होंने अपने प्रयोग को, अपने प्रयोग तो किया लेकिन 1865 ईस्वी में इसको रखा भी ब्रून सम्मेलन में। नेचुरल हिस्टोरिकल जो सम्मेलन हुआ था ब्रून में लंदन के, उसमें भी रखा था इन्होंने, ठीक है ना। अब रखा तो भी इनके प्रयोग पर कोई विचार नहीं किया गया, छोड़ दिया गया, दिमाग में नहीं रखा गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ उसमें, अब 1884 में इनका निधन हो गया। जब 84 में इनका निधन हो गया तब इसके बाद में 1900 एक ऐसा समय आता है जब तीन साइंटिस्ट मिलकर इनके प्रयोग को सही पाया और उस समय से मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहा जाने लगा। तो मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहा जाने लगा 1900 ईस्वी से कहा जाने लगा। अब दिमाग में ये रखते हैं कि हम लोग जो है अब दिमाग में रखते 1900 ईस्वी में कब, तो 1900 ईस्वी में ध्यान देते हैं इसमें। अब 1900 ईस्वी में ध्यान देते हैं, अब कहा जाता है कि 1900 ईस्वी में तीन साइंटिस्ट मिल जाते हैं, ठीक है ना। ह्यूगो डीवरी ध्यान देते हैं, ह्यूगो डीब्रिज मिल जाते हैं हॉलैंड के, ध्यान देंगे ये हॉलैंड के ह्यूगो डीब्रिज, ठीक है। और यहां पर ध्यान देते हैं हॉलैंड के ह्यूगो डीब्रिज मिल जाते हैं 1900 ईस्वी में, ठीक है ना। और शेयर मार्क जो है यहां पर शेयर मार्क ये मिल जाते हैं और इसके बाद में ये ह्यूगो डीब्रिज, ठीक है ना, ह्यूगो डीब्रिज सेमा, तो ह्यूगो डीब्रिज सेमा और सेमा जो होते हैं यहाँ पर सेमा होते हैं, तो ह्यूगो डीब्रिज सेमा और ऑस्ट्रिया का एक थे यहाँ पर साइंटिस्ट, तीनों मिल करके अब क्या किए, तीनों मिल करके ह्यूगो डीब्रिज हो गए, ह्यूगो डीब्रिज सेमा हो गए, ठीक है। और कार्ल स्कोरेंस अब ध्यान देते हैं, कार्ल स्कोरेंस जो जर्मनी के थे कार्ल स्कोरेंस आई ऑस्ट्रिया के थे, ठीक है ना। अब ये ध्यान देते हैं
तीन साइंटिस्ट मिल गए, ठीक है ना। अब तीन साइंटिस्ट जब मिल गए यहां पर, ह्यूगो डिब्रीस हॉलैंड के, शेरमार कहां मिले, शेरमार कहां के मिले, ऑस्ट्रिया के, कार्ल कॉरेंस मिले ए जर्मनी के, ठीक है ना। अब 1900 ईस्वी में ह्यूगो डिब्रीस, शेरमार और कार्ल कॉरेंस ये तीनों वैज्ञानिक मिल करके, कार्ल कॉरेंस अब तीनों वैज्ञानिक मिल करके क्या किए यहां पर, तो कार्ल कॉरेंस यहां पर तीनों वैज्ञानिक मिल करके क्या किए। अब यहां पर बातें आती है, कार्ल कॉरेंस है तीनों वैज्ञानिक मिल करके 1900 ईस्वी में इनके प्रयोग को, किन के, मेंडल के प्रयोग को इन्होंने देखा। अब मेंडल के प्रयोग को देखा और देखने के बाद में इन्होंने इनके प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। तो यहां पर प्रूफ कर दिया, अप्रूव कर दिया, यहां पर ध्यान देते हैं, इनको प्रूफ कर दिया, अप्रूव कर दिया, तो इसका मतलब है उस समय से 1900 ईस्वी से इनको जेनेटिक्स का फादर कहा जाने लगा, ठीक है ना। तो हम ध्यान देते हैं यहां पर ह्यूगो डिब्री, शेरमार और कार्ल कॉरेंस ये तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के प्रयोग को सही पाया, और जब सही पाया तो इसे सही पाया, और इस उसी समय से 1900 ईस्वी से ही ये तीनों, 1900 ईस्वी से फादर ऑफ जेनेटिक्स, ध्यान देते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किन्हें कहा गया, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर कहा जाने लगा। अब उसी समय से ध्यान देते हैं, तो यहां पर ये दिमाग में आपको रखना है यहां पर, तो जेनेटिक्स का फादर कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल। उसी समय से तो 1900 ईस्वी से ह्यूगो डिब्री, शेरमार, कार्ल कॉरेंस ने ये प्रूव कर दिया कि इन इनका प्रयोग बिल्कुल सही है, और उसी समय से ए ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाने लगा, ठीक है। तो इतना दिमाग में एक तो इनका, अब प्रश्न होता है यहां पर कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का चयन किया, ये क्यों, ये क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछता भी है, तो ये दिमाग में आपको रखना है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का ही चयन क्यों किया था, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं कि ये मटर है, इसका आप ये जानते हैं कि मटर में सात विभिन्न लक्षण, मतलब इसका ए हो गया यहां पर ए आपका कि ए सात, अब सात मतलब सात जोड़ा इसमें गुण सूत्र होगा, ये तो दिमाग में रखना है कि इसमें मटर में कितना होता है, सात जोड़ा गुण सूत्र होता है, ये दिमाग में मटर। अब ध्यान देते हैं ये क्या, ये तो मटर जो होता है कॉस्मोपोलिटन होता है, अर्थात यह संसार के सभी भागों में, सभी भागों में यह उपजाया जाता है, ठीक है। अब ये दिमाग में देखते हैं, मटर में सात जोड़ा गुण सूत्र होता है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है ना। दूसरी बात यह दिमाग रखना है कि मटर में उभयलिंगी पुष्प होता है। अब उभयलिंगी का मतलब है एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों दोनों जनन अंग होते हैं, उभयलिंगी या उभयलिंगी पुष्प होता है, मतलब एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर सात जोड़ा गुणसूत्र तो हो गया, मतलब मटर में कितना जोड़ा गुण सूत्र होता है, आपका जवाब आएगा सर सात जोड़ा गुण सूत्र होता है, ठीक है। दूसरी बात उभयलिंगी पुष्प होता है, इसका भी मतलब हो गया कि एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों होते हैं, ठीक है ना। तीसरा हम ये दिमाग में रखते हैं कि यह कम समय में परिपक्व हो जाता है, मतलब परिपक्व कम समय में होता है, कम समय में यह परिपक्व हो जाता है, मतलब परिपक्वता का समय इनका कम हो जाता है, कम समय में परिपक्व हो जाता है, इसका मतलब कम समय में यह परिणाम भी हमें देता है। अगर कम समय में परिणाम हमें देगा तो इसका मतलब है कि कम समय में हम यह जान जाएंगे कि हमने जो प्रयोग किया है वो सही है या गलत है, ठीक है ना।
तो ध्यान देते हैं, पहला तो हो गया कि सात जोड़ा इसमें गुणसूत्र होता है, दूसरा इसमें उभयलिंगी पुष्प होता है, इसमें कम समय में परिपक्व हो जाता है, ठीक है ना। और इतना भी आपको दिमाग में ये रखना होगा कि इसमें जो है क्रॉस पॉलिनेशन भी कराने की व्यवस्था है, स्व मतलब स्वपरागण और परपरागण दोनों इसमें व्यवस्थाएं हैं। अर्थात इसमें हम देखते हैं कि स्वपरागण भी कर सकते हैं और प्लस में परपरागण भी हम लोग कर सकते हैं इसमें आसानी, दोनों स्वपरागण और परपरागण, ठीक है ना। स्व मतलब अपने, पर मतलब किसी और का परागण जो है ले आना, ठीक है ना, दूसरे पुष्प पर डाल देना। तो ये स्वपरागण और परपरागण दोनों यह किया जा सकता है, कम समय में यह रिजल्ट देता है, कम समय में। अब देखिए ये परिणाम भी जो है, अगर परिणाम खोजें इसका तो ये भी कम समय में हमें दे देगा, ये परिणाम भी कम समय में दे देगा, ठीक है ना। तो जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण अब मेंडल ने ये मटर को सेलेक्ट किया था, ठीक है ना। तो मेंडल ने मटर का चयन किया क्यों, क्वेश्चन पूछता है, मटर का चयन किया था, मेंडल ने मटर पौधा का ही चयन किया था, ऐसा क्यों, एक क्वेश्चन आता भी है, दो अंकीय क्वेश्चन से है। अब क्वेश्चन पूछता भी है कि मेंडल ने मटर का चयन किया क्यों, मटर पौधा का चयन किया क्यों, एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का जवाब क्या लिखेंगे, क्योंकि दो अंकीय आपका क्वेश्चन है, ठीक है, दो अंकीय क्वेश्चन है, तो ये क्या आप जवाब दे सकते हैं इसका। क्वेश्चन आपका है कि मेंडल ने मटर का ही चयन क्यों किया, एक क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ये दिमाग में रखना है कि मेंडल ने मटर का ही चयन क्यों किया, इसका जवाब हमको लिखना है। दो अंकीय क्वेश्चन है तो तीन चार सेंटेंस तो देना ही होगा इसमें, दो अंक का क्वेश्चन है तो तीन चार सेंटेंस में आंसर देना होगा आप लोग को, ठीक है। अब ये दिमाग में रखते हैं पहला कि यह ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, और इन्होंने मटर के साथ विभिन्न लक्षणों पर प्रयोग किया, और इन्होंने अपने प्रयोग में मटर का ही चयन किया क्योंकि, अब क्योंकि लगा देंगे तो आप आंसर देना होगा इसमें, क्योंकि इसमें सात जोड़ा गुण सूत्र होता है, दूसरी बात इसमें उभयलिंगी पुष्प होता है, यह संसार के सभी भागों में उपजाया जाता है, लगभग इट इज कॉस्मोपोलिटन मतलब लगभग यह संसार के सभी क्षेत्रों में यह उपजाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में यह कम समय में परिपक्व होता है, और इसमें स्वपरागण परपरागण भी होने का व्यवस्था इसमें है, परिणाम कम समय में देता है। तो ये सारी चीज जो है आपको ये दिमाग में रखना होगा, यहां से क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए जितना हम बताएं उतना में से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हमेशा देते रहते हैं, इस पर विचार। पहला क्वेश्चन, अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा क्या भाई, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है ना। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन देता भी है कि अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, मेंडल ने किस पौधा पर प्रयोग कर अनुवांशिकता के बारे में विश्व को बताया, तो मेंडल ने किस पौधा पर प्रयोग कर अनुवांशिकता के बारे में बताया, तो आपका आंसर होगा सर यह मटर, दैट मींस पाइसम सटाइबम पर प्रयोग किया था, गार्डन पी पर प्रयोग किया था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि आप जरा ये बताइए इसमें कि मेंडल ने मटर के कितने विभिन्न लक्षणों पर प्रयोग किया था, तो आपका जवाब होगा कि मेंडल ने मटर के सात विभिन्न लक्षणों पर प्रयोग किया था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह आपको अभी जितना हम बताएं उस तरह के क्वेश्चंस वगैरह आपके दिमाग में आना चाहिए। इसके लिए एक टेस्ट हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं अभी, जस्ट टेस्ट। पहला जो है आपका क्वेश्चन है कि बताइए फादर ऑफ जेनेटिक्स, अब यहां पर ये जो है एक क्वेश्चन आपका आ गया फादर ऑफ जेनेटिक्स, चलिए
इसका आंसर आप जल्दी से सेंड कीजिए। फादर ऑफ जेनेटिक्स एक क्वेश्चन हो गया, एक कौन फादर ऑफ जेनेटिक्स, पहला का आप दे दीजिए फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स इसका आंसर यहां पर। और दूसरा जो है यहां पर दूसरा क्वेश्चन, मेंडल, मेंडल ने किस पौधा पर प्रयोग किया, एक दूसरा क्वेश्चन किस पौधा पर प्रयोग किया, किस पौधा पर प्रयोग किया। तीसरा आप नंबर देख के सेंड करेंगे, हम सभी देख लेंगे किनका आंसर सही है इसमें, ठीक है। इसके बाद में मटर, मटर का बायोलॉजिकल नेम या वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मटर का वैज्ञानिक नाम जरा बता देंगे इसमें। आगे मेंडल ने मटर के कितने कितने विपरीत लक्षणों पर प्रयोग किया, एक क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन हम देख रहे हैं इसमें, बहुत अच्छा आपका आंसर तो बिल्कुल सही आ रहा है इसमें, चलिए बहुत अच्छा। एक चार क्वेश्चन आपका हो गया इसमें, चलिए ठीक है बहुत अच्छा, जवाब बिल्कुल सही आ रहा है आप सभी विद्यार्थियों का, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल ने किस पौधा पर प्रयोग किया, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, मेंडल ने मटर के कितने विपरीत लक्षणों पर प्रयोग किया, ठीक है ठीक है बहुत अच्छा। इसके बाद में यहां पर आपका ये जो है चार क्वेश्चंस हो गया यहां पर, ठीक है बहुत अच्छा आपका जवाब है इसमें, ये तो हो गया। इसके बाद में मेंडल का निधन, इसके बाद मेंडल के प्रयोग को कितने वैज्ञानिक ने 1900 ईस्वी में प्रमाणित किया, देखिए क्वेश्चन वगैरह आया कुछ इसमें, पांच एक क्वेश्चन अभी जो आप लोग को पढ़ाए, पांच एक क्वेश्चन इसमें हो गया। फादर ऑफ जेनेटिक्स आपका बिल्कुल सही जवाब 1884 ईस्वी में, ठीक है बिल्कुल सही। और छठा का आंसर किया बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आप लोग का बिल्कुल सही, आप जवाब बिल्कुल सही आपका आ रहा है, चलिए छठा का भी आंसर आना शुरू हो गया। तीन वैज्ञानिकों ने, ठीक है सेर मार्कास कोरेंस और ह्यूगो डी ब्रिस, बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा इसमें आप लोग का जवाब आया इसमें। चलिए अब ध्यान देते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स आप सभी जान गए होंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल, जी जे मेंडल। इसके बाद मेंडल ने किस पौधा पर प्रयोग किया, आप जान सभी जानते हैं मटर, मटर हो गया इसमें, ठीक है। मटर का वैज्ञानिक नाम आप जानते हैं पाइसम सटाइबम, चलिए इसमें भी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा भाई, इसका पाइसम सटाइबम हो जाएगा, पाइसम सटाइबम ठीक है, पाइसम सटाइबम हो जाएगा, ठीक है। मेंडल ने मटर के कितने विपरीत लक्षणों पर प्रयोग किया था, तो आप कह देंगे सात विभिन्न लक्षणों पर प्रयोग किया था, ठीक है। इसके बाद में मेंडल का निधन कब हुआ, 1822 में तो जन्म बताए थे, 1822 में जन्म बताए थे, 1884 में इनका क्या हुआ, निधन हो गया, ये सभी जानते हैं हम लोग, ठीक है।
इसके बाद में मेंडल के प्रयोग को कितने वैज्ञानिकों ने 1900 ईस्वी में प्रमाणित किया था? आप कहेंगे सर तीन वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया था, तीन वैज्ञानिकों ने इनके प्रयोग को प्रमाणित किया था, ठीक है ना। अब बात आ जाता है कि 1900 ईस्वी से एज फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया, तो जो जेनेटिक शब्द है उसका उपयोग जो है वहां सबसे पहले जेनेटिक शब्द का नामकरण किया था बेटसन वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है ना, बेटसन वैज्ञानिक ने किया था। द टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय बेटसन साइंटिस्ट। अब ध्यान देते हैं, ये तो सभी लोग को समझ में आ गया होगा, आसानी से आपका आंसर भी बिल्कुल सही आ रहा था। अब ध्यान देते हैं कुछ और बेटसन, अब ध्यान देते हैं कि ये जेनेटिक्स में हम लोग मुख्य रूप से अगर बातें आती है तो देखते हैं ये जीन की बातें आती है। अब पूछता है क्वेश्चन आपको डालता है इसमें कि जीन क्या है, जीन किसे कहते हैं। अब देखिए जेनेटिक्स है तो जीन शब्द आता है इसमें, जीन से बना है, जेनेटिक्स बना है, तो जीन का मतलब हो गया। अब जीन के बारे में कोई कहेगा तो क्या क्या आपको लिखना है, तीन चार सेंटेंस इस पर आपको दिमाग में रखना होगा कि सर इसमें तीन चार सेंटेंस क्या क्या लिखें जीन के बारे में, ठीक है ना। चलिए अब ये ध्यान देते हैं, तो जेनेटिक्स का नामकरण किसने किया था, बेटसन वैज्ञानिक ने किया था। द टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय बेटसन साइंटिस्ट। अब दिमाग में ये रखते हैं कि जीन क्या है, अगर क्वेश्चन डाल दे कि जीन क्या है, क्वेश्चन ये डाल दिया कि जीन किसे कहते हैं, ये जीन क्या है, ठीक है। अब जीन क्या है, तो जीन तो आनुवांशिक इकाई है, पहला तो हम लोग जान गए कि सर आनुवांशिक इकाई होता है जीन, तो पहला यहां पर डालेंगे कि यह आनुवांशिक इकाई होता है। देखिए अब सेंटेंस कैसे हम लोग लिखते हैं इसका दिमाग हम लोग को होना चाहिए कि किस तरह सब सेंटेंस को हम लोग आसानी से लिखें, ठीक है ना। तो पहला ये जो है ये इकाई कैसा होता है भाई, तो आनुवांशिक इकाई होता है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है ना। अब यूनिट ऑफ हेरिडिटी आनुवांशिक इकाई होता है, ठीक है। दूसरा हम लोग कहते हैं कि यह डीएनए का छोटा टुकड़ा होता है। अब देखिए अब यह डीएनए का यह छोटा खंड होता है, यह टुकड़ा होता है, ठीक है ना। एक दूसरा सेंटेंस आपको जोड़ देना है, ठीक है ना। इसके बाद डीएनए है बताएंगे आप लोग को, पहले डीएनए जान जाइए इसमें, ठीक है ना। ये आनुवांशिक इकाई हो गया, ठीक है ना, यह जीन है, और इसी से चूंकि जीन आनुवांशिक इकाई होने के कारण इसी से जेनेटिक्स जोड़ा गया, ये जीन है ना। अब जीन से ही हो गया जेनेटिक्स, हम लोग पढ़ लेते हैं ऐसे, जीन से ही पढ़ते हैं, जेनेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब ये डीएनए का छोटा खंड होता है, ये सभी विद्यार्थी जानते हैं, कुछ क्लासेस में भी ऑफलाइन क्लासेस में भी हमने बताया है इस चीज को। दो सेंटेंस जोड़ लिए, पहला आनुवांशिक इकाई होता है, डीएनए का छोटा यह खंड होता है, सेगमेंट होता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में थोड़ा सा आगे आते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये जीन, अब कहा जाता है किसके ऊपर होता है, तो यह गुण सूत्र के ऊपर होता है, ये भी डालेंगे गुण सूत्र के ऊपर होता है, या किसके ऊपर होता है, तो गुण सूत्र के ऊपर होता है, ठीक है ना। अब किस रूप में होता है, तो रेखीय रूप में होता है, ऊपर रेखीय रूप में होता है, देखिए रेखीय लीनियर अरेंज होता है, रेखीय ये जो है रेखीय रूप में होता है, रेखीय रूप में यह, रेखीय रूप में यह अरेंज होता है, ठीक है ना। तो ये दिमाग में आपको रखना है रेखीय रूप में। तो देखिए हम लोग तीन सेंटेंस पढ़ चुके हैं जीन के बारे में, ठीक है ना। तो यह क्या आनुवांशिक इकाई होता है, डीएनए का छोटा खंड होता है, गुणसूत्र के ऊपर रेखीय रूप में होता है, ये जान गए हैं, ठीक है ना। आगे ध्यान देते हैं, अब याद रख ये तो हो गया डीएनए का छोटा खंड, गुणसूत्र के ऊपर रेखीय रूप में होता है, ठीक है ना। अब बातें हो गया कि तो जीन विभिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब इसके प्रकार को कहें तो विभिन्न प्रकार के होते हैं जीन, तो ठीक है ना। यहाँ पर जीन जो है रेगुलेटरी जीन होता है, प्रमोटर जीन होता है, ऑपरेटर जीन होता है, फंक्शनल जीन, नॉन फंक्शनल जीन, बहुत तरह का जीन होता है, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखते हैं, विभिन्न प्रकार तो ये जान गए, तीन सेंटेंस हम लोग जान गए हैं। अब जीन का नामकरण, अब देखते हैं
जीन का नामकरण किसने किया? तो जीन का जो नामकरण है, ध्यान देते हैं, जीन का नामकरण जो है वो जॉनसन ने किया था। अब जॉनसन ने किया, जॉनसन ने किया था जीन का नामकरण, जॉनसन ने किया, यहां पर देते हैं जॉनसन ने जीन का नामकरण किया था। अब जीन का नामकरण जॉनसन ने किया था, ठीक है ना भाई। अब जीन का, जीन को फैक्टर किसने कहा? अब नामकरण तो जॉनसन ने किया, अब जीन को फैक्टर किसने, जीन को फैक्टर, अब देखिए ये फैक्टर सबसे पहले ये फैक्टर शब्द आया था। अब जीन को फैक्टर किसने, जीन का नामकरण तो जॉनसन ने किया, ये 1919 ईस्वी में किया, ठीक है ना, 1919 ईस्वी में किया। अब जीन को फैक्टर कहने वाला जो वैज्ञानिक था वो फैक्टर किसने कहा था, तो मेंडल ने। अब देखिए जीन को, या जीन को फैक्टर या कारक, फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो जीन को फैक्टर या कारक किसने कहा था, तो मेंडल साहब कहा था, ठीक है ना। तो जीन को फैक्टर या कारक किसने कहा, मेंडल ने कहा। अब जीन को जीन किसने कहा, तो जॉनसन ने कहा, ठीक है ना, जॉनसन ने कहा इसमें, ठीक है। तो इतना दिमाग में रखना है, और यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में यह ट्रांसमिट होता रहता है, और ध्यान देते हैं। ये तो जीन, अब देखते हैं बाद में जो जीन है, जीन को सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन आया, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रिकॉन, ये तो है। यहाँ पर ये जो है बेंजर ने बाद में ऐसा बताया था कि जीन जो है तीन फॉर्म में होगा, इसमें तीन फॉर्म में होगा, वह म्यूटॉन के रूप में, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रिकॉन के रूप में होगा, वो तो वहां क्या बेंजर ने कहा था। तो इतना दिमाग में आपको तीन चार सेंटेंस तो हालांकि इजी वे में है और भी है, लेकिन तीन चार सेंटेंस आपको दिमाग में रखना है आपको आंसर लिखने के लिए, अगर क्वेश्चन पूछता है जीन क्या है, ठीक है। ये अनुवांशिक इकाई होता है, डीएनए का छोटा खंड होता है, गुण सूत्र के ऊपर होता है, यह रेखीय रूप में होता है, एक रेखा लिनियर अरेंज होता है, एक लाइन में होता है। नामकरण जॉनसन ने किया, जबकि जीन को फैक्टर या कारक मेंडल ने कहा, ठीक है ना। तो इतना दिमाग में आपको कितना सेंटेंस हुआ, एक दो तीन चार पांच सेंटेंस हो गया आपका। दो अंक का क्वेश्चन से है, दो अंक का क्वेश्चन है, तो आपका पांच सेंटेंस इसमें देना है, आपका जवाब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके दिमाग में हो गया, अनुवांशिक इकाई डीएनए का छोटा खंड होता है, गुण सूत्र के ऊपर रेखीय रूप में होता है, नामकरण जॉनसन ने, जीन को फैक्टर किसने कहा, फैक्टर या कारक तो मेंडल साहब ने कहा, ठीक है ना। तो इस प्रकार दिमाग में आपको इसको रखना है, ठीक है। आज का क्लासेस यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लासेस के लिए आप लोग जो है तैयार रहेंगे इसमें अच्छी तरह से, और एक जो भी बताए क्वेश्चंस को आप लोग दिमाग में हमेशा रखिएगा। टाइमिंग आपका वही 8:40 से क्लासेस होगा, इसमें जो लिखा हुआ 8:40 वो क्लासेस कंटिन्यू हम लोग करेंगे, आपका नोटिफिकेशन भी चला जाएगा उसमें। आप लोग पढ़ें, समझें, जानें और याद करें, क्योंकि ये सब कुछ क्वेश्चंस वगैरह आज तो स्टार्टिंग था, तो कुछ सामान्य क्वेश्चंस याद भी कराएं आप लोग को, पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ हम दे देंगे, पीडीएफ मेरे पास बना हुआ है सभी क्वेश्चंस का, लेकिन आपको समझना काफी जरूरी है, ये समझ ही आपको सफलता दिलाएगा, ठीक है ना। तो कल का क्लासेस सुबह है इसी टाइम में आप लोग को रहेंगे हम हाजिर, तब तक के लिए धन्यवाद, आई विश यू गुड लक, और आप जो डिस्टेंस बना के रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को करें, और इस कोरोना महामारी में आप लोग को सुरक्षित रहना ही, सावधान रहना ही काफी अनिवार्य है। तब तक के लिए धन्यवाद।